भाई साहब जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ, बिना पैग लगाए दारू का नाम मिटा दिया कंगारू का। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नमस्ते मैं बहुआ, नमस्कार जय हिंद, मैं हूँ रौनक, देख रहे हैं आप अंडर 19 वर्ल्ड कप स्पेशल रणतंत्र। और कल जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा था, मैंने एंजॉय करना शुरू ही किया था कि तभी मोबाइल में एक न्यूज फ्लैश हुई। शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, नवदीप सैनी और ऋतुराज गायकवाड़ कोविड पॉजिटिव हो गए थे। भाई साहब इसने मुझे हिला के रख दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और केएल राहुल ऑलरेडी अपनी बहन की शादी के लिए पहले मैच की छुट्टी पर हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पास पहले वनडे में खिलाने के लिए सिर्फ 5 ही बल्लेबाज बचे हैं, रोहित शर्मा, कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और दीपक हुड्डा। हालांकि कवर के तौर पर मयंक अग्रवाल को भी टीम में शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये सोच सोच के मेरा इतना धक-धक हो रहा था कि हमारी टीम मैनेज कैसे करेगी। तभी हमारी नजर जूनियर टीम पर गई जो सेमीफाइनल खेल रही थी। इस वर्ल्ड कप में पहले ही मैच खेलने के बाद हमारे 5 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। दूसरे मैच से पहले हालत इतनी खराब थी कि हमारे पास खिलाने के लिए सिर्फ 11 ही खिलाड़ी बचे थे और उन्हीं को खिलाना पड़ा, लेकिन हमारी टीम बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल तक पहुंच गई। तो जब जूनियर टीम ने कर लिया है तो सीनियर भी कर ही लेगी, क्योंकि सीनियर्स की तरह जूनियर ने भी पिछले कुछ समय में टॉस जीतने की परंपरा को कायम रखा है। सेमीफाइनल में भी कैप्टन यश धूल ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया। अंकरेश रघुवंशी और अरनूर सिंह ने टीम को धीमी शुरुआत दी और 13 ओवर में 37 के स्कोर पर जब हमारे दोनों ओपनर आउट हो गए तो हमें लगा बहुत जल्दी हमारा काम 35 न हो जाए। अब जूनियर टीम को पहला मैच खेलने के बाद ही कोविड हो गया था, तो उन खिलाड़ियों में कप्तान यश धूल और उप कप्तान शेख रशीद भी शामिल थे। जब बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेला जाना था तब ये दोनों नेगेटिव हो चुके थे, लेकिन इनकी मैच फिटनेस पर सवाल था। मैनेजमेंट का मानना था कि अगर ये 100% मैच फिट नहीं भी हुए तो भी इन दोनों को मैच खिलाया जाएगा, और हमारा सवाल था कि जब बीसीसीआई ने ऑलरेडी रिजर्व खिलाड़ी वेस्ट इंडीज पहुंचा दिए हैं तो फिर इनके साथ रिस्क क्यों लेना। इसका जवाब हमें कल हुए मैच में मिल गया। यश और रशीद जो भारत के कप्तान और उप कप्तान है, उन्होंने मिलकर ऐसा समा बांधा है भाई साहब कि धोनी और कोहली की याद आ गई। यश डाल डालते तो रसीद पात पात। पहले दोनों ने बड़ी खूबसूरती से टीम इंडिया की रिकवरी कराई, फिर दोनों ने ही अपनी 50 हो जाने के बाद अटैकिंग मोड अपना लिया। फिर तो भैया जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की कुटाई हुई है, पक्का रात को बाम लगा के सोए होंगे। यश भैया ने अपनी सेंचुरी पूरी करी और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले तीसरे भारतीय कैप्टन बन गए। 110 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया वाले रनआउट से उनका विकेट ले पाए और रशीद भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल कैच के चलते अपने शतक से 6 रन दूर रह गए और 94 पर आउट हो गए। लेकिन इंडिया के लोअर ऑर्डर ने कोहराम मचा दिया। आखिर के 15 ओवर में इंडिया वालों ने 141 रन कूट दिए भाई साहब, जिसमें से दिनेश बाना के 4 गेंदों में 20 रन देख के तो 12 बजे रात में भी जोश आ गया भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचने के लिए 291 का टारगेट मिला। एक बात जो हमने आपको अभी तक नहीं बताई वो ये है कि टीम के साथ एनसीए हेड वीवीएस लक्ष्मण ट्रैवल कर रहे हैं और टीम इंडिया को गाइड कर रहे हैं। और लक्ष्मण ने जितना ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया ना भैया, उतना तो कोरोना ने दुनिया को परेशान नहीं किया। लक्ष्मण अब टीम में नहीं है, बिना खेले भी वो ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर रहे हैं। तमाशा बना दिया, मैंने कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। 291 का बचाव भारतीय गेंदबाज बेहतरीन तरीके से कर गए भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया का पहला और सबसे जरूरी विकेट टिग विली के रूप में 3 रन पर ही गिर गया, लेकिन दूसरे विकेट के लिए 68 की पार्टनरशिप लग गई। पार्टनरशिप धीमी थी, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने दिखा दिया कि गियर बदले जा सकते हैं। टीम एक ब्रेक थ्रू की तलाश में थी, स्टंप माइक से भी हमें वही आवाज सुनने को मिल रही थी, बस एक विकेट की बात है। और ये विकेट जैसे ही अंकरेश रघुवंशी की गेंद पर हमें मिली, उसके बाद तो लाइन लग गई। वर्ल्ड कप में इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर विकी ओस्तवाल की अगुवाई में हमारे गेंदबाजों ने कंगारुओं पर हल्ला बोल दिया। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने उतना स्ट्रगल किया जितना बॉलीवुड में आउटसाइडर को करना पड़ता है। 291 बनाने चली ऑस्ट्रेलिया, 200 भी पूरे नहीं कर पाई। 194 पर ऑल आउट होकर इंडिया वालों ने लगातार 4थी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में जगह अपनी पक्की कर डाली है। अब 5 तारीख को हमारा मुकाबला दूसरी फाइनलिस्ट इंग्लैंड से होगा और उस फाइनल के बाद भिंडी डोना एक्सपर्ट माइकल वॉन का चेहरा देखने लायक होगा। उसकी सारी डिटेल लेकर हम आपके पास इसी चैनल पर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, अपने प्लेयर्स को थैंक यू बोलना, अपना ख्याल रखना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।